यूनिक बाय शीतल। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ फेशियल स्टेप्स, खुद को मैं कैसे पैम्पर करती हूँ। सो मैं आज आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी। एंड अभी तक भी आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी तभी आप यार ये वीडियो देख रहे हो, नहीं आ रही तो प्लीज देख के पसंद कर लो। अगर नहीं आ रही तो मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, बट बताओ और देखो। ओके गाइज, सो गाइज जो मैं प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ इस वीडियो में, वो मैंने कोई ऐसे ब्रांड का लिया नहीं है, मैंने अलग अलग ब्रांड के ले रखे हैं। मतलब लोटस के भी हैं मेरे पास, मतलब लोटस के हैं, बट मैंने एक कोई मैंने फेशियल किट नहीं लिया, मैंने अलग से परचेज करी थी वो भी ऑफलाइन। बट आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है लोटस के फेशियल किट्स, और अगर आपको एक एक जो ट्यूब्स आती है वो भी आपको मिल जाती है। सो मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि मैं उनके साथ कैसे स्टेप्स करती हूँ अपने घर पे, होम फेशियल जो मैं लेती हूँ, आपको फेशियल बताने वाली हूँ। मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में। एंड या और मेकअप रिमूव कर लेते हैं। सो चलो मेकअप रिमूव करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। हे गाइस, सो मैंने ये हेयरबैंड लगा लिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं फेशियल करना। सो गाइस सबसे पहले मैं मेकअप रिमूव करने के लिए यूज कर रही हूँ निव्या का क्लींजर, मतलब मेकअप रिमूवर है ये, क्लींजिंग मेक है। सो मेकअप रिमूवर भी हो जाएगा एंड आपका क्लींजर भी हो जाएगा। सो मैं थोड़ा सा हैंडपिल लेके इसे मैं अप्लाई कर लूंगी, एंड मैं इसे थोड़ा सा हैंडपिल लूंगी ऐसे, एंड मैं इसे ऐसे लगा लूंगी, अप्लाई कर लूंगी एंड थोड़े मोशन में इसे ब्लेंड करूंगी बोलने वाली थी मैं, करूंगी ताकि और अच्छे से ब्लेंड करो ताकि आपका मेकअप रिमूव हो जाए। पैक मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है, बेस मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है खास, बट मैंने ब्लश और लिपस्टिक एंड आईब्रो लगाई, आईब्रो फिल करी थी। सो अगर आपको थोड़ा थोड़ा ये लगता है ड्राई ड्राई, तो आप एक हल्का सा इसमें वाटर टच ले सकते हो एंड देन आप अगेन कर लो इसे। 2 मिनट मैक्सिमम होता है क्लींजिंग का। सो गाइज मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर करी ये वाली वीडियो क्योंकि ऑफकोर्स आप लोगों ने भी ये सोचा होगा कि हम अपने आप को कैसे पैम्पर कर सकते हैं। सो इसलिए मैं आपके लिए स्टेप्स लेके आई हूँ और फेशियल लेके आई हूँ। और जो मैंने अपनी आईज बंद कर रखी है तो प्लीज इग्नोर दिस क्योंकि मेरी आईज बना चले जाए, और ऑफकोर्स आप भी आईज क्लोज करके करें बिकॉज अगर आपके आईज में गया तो प्रॉब्लम हो सकती है कुछ भी प्रोडक्ट जो होते हैं, दैट्स वाई। और ये जो मैंने टिश्यू लिया है ये मैंने कलर बार का लिया है, ये मेरे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और इसे मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगी, अच्छे से रिमूव करें बिकॉज अगर ये स्किन पर रह गया ना तो प्रॉब्लम कर सकता है, पिंपल हो सकते हैं आपको, ठीक है। तो ऑफकोर्स आप अच्छी तरीके से क्लीन। नेक्स्ट स्टेप है हमारा टोनर। टोनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ डर्माफिक का टोनर, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये। सो मैंने इसे गुड वाइब्स के टोनर के कंटेनर में फिल कर लिया बिकॉज उसमें कोई स्प्रे बॉटल आपको मिलती नहीं है। स्किन पे इसको मर्ज होने दो। सो टोनर आपके स्किन का पीएच लेवल अच्छा करता है, दैट्स वाई, क्योंकि क्लींजिंग आपके स्किन के अंदर अगर थोड़ी चली भी गई तो टोनर से क्लीन हो जाती है वो। या और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने जो आपको बोला ही था कि उसमें स्प्रे बॉटल नहीं मिलती, तो ये कुछ ऐसे आते हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इससे कुछ प्रॉब्लम हो आपको, आप इस पर ऑफकोर्स कॉटन जो पैड्स आते हैं उस पर लेके आप अप्लाई कर सकते हो, बट मुझे स्प्रे बॉटल ज्यादा पसंद है इसलिए मैं स्प्रे बॉटल यूज करती हूँ मैंने। सो नेक्स्ट अब टोनर हमारा बातें करते करते ऑफकोर्स मर्ज हो चुका है, अगर नहीं हुआ तो आप कॉटन लेके इसे पैक कर सकते हो। हमारा स्टेप नंबर 3 है वो है स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ लोटस का स्क्रब। लोटस का न्यू लॉन्च भी आया है, वो भी बहुत पसंद है मुझे एंड वो भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा स्क्रब ले लिया है, मैं ज्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने स्क्रब करती रहती हूँ, तो मैं इतना स्क्रब नहीं ले लिया, अप्लाई कर लूंगी एंड देन मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। अगर आपको थोड़ा सा रफ लग रहा है तो आप ऑफकोर्स वाटर टच ले सकते हो। सो गाइज मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी एंड मुझे 5 मिनट्स हो चुके हैं तो मैं इसे रिमूव कर लूंगी। इसकी ग्रैनुल्स नहीं रहने चाहिए बिकॉज इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए हमें अपना फेस पूरा क्लीन चाहिए, तो ग्रैनुल्स नहीं रहने चाहिए। ग्रैनुल्स यानी कि जो इस स्क्रब के जो हार्श हार्श पार्टिकल्स होते हैं वो। ओके गाइज, अगर आपको स्किन ऑयली है या आप अगर आपका स्किन में पिंपल्स वगैरह है तो आप जेल जो विदाउट ग्रैनुल्स वाला स्क्रब आता है वो यूज करें, क्योंकि अगर आप ये वाला स्क्रब करेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो ये मेरा आपके लिए एक अपना पॉइंट है
कि विदाउट ग्रैनुल्स वाला आप स्क्रब यूज कर सकते हो जिनके पिंपल्स होते हैं। ओके गाइस, तो मैं इसे क्लीन कर लूंगी एंड मैं थोड़ा सा फेस वॉश करके आ रही हूँ हल्का सा वार्म वाटर से, हल्का एंड मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। गाइज इसकी ग्रैनुल्स नहीं रहने चाहिए बिकॉज इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए हमें अपना फेस पूरा क्लीन चाहिए, तो ग्रैनुल्स नहीं रहने चाहिए। ग्रैनुल्स यानी कि जो इस स्क्रब के जो हार्श हार्श पार्टिकल्स होते हैं वो। गाइज मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, सो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे उसके लिए हमें पूरा फेस अपना ड्राई चाहिए। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है मसाज क्रीम, तो मसाज के लिए हम अपना फेस पूरा ड्राई होने देंगे देन मसाज करेंगे। तो आपको मैक्सिमम 15 मिनट्स तक मसाज करनी है, बट यहाँ पर मैं कोई मसाज नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैंने कुछ टाइम पहले ही फेशियल किया है तो मैं यूज नहीं कर रही हूँ, मैं ओनली स्क्रब कर रही हूँ। बट आपको दिखाने के लिए मैं बता देती हूँ कि आपको मसाज कैसे करना है। तो मसाज क्रीम के लिए भी मैं अगेन लोटस का मसाज क्रीम यूज कर रही हूँ, ये मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कैसे करना है। सो आपको सर्कुलर मोशन में आपके फेस की आपको मसाज करनी है। एंड एक चीज और कि आप कभी अंदर की तरफ को नहीं करोगे फेशियल, बाहर की तरफ को करोगे। अंदर की तरफ को करोगे तो आपके रिंकल्स जल्दी बढ़ जाएंगे, तो बाहर की तरफ को करना है क्योंकि आपका फेस ऐसे में एकदम स्ट्रेच होता है, दैट्स व्हाई। तो आप ऐसे ही अपनी मसाज करोगे ऐसे, फर्स्ट स्टेप आप सर्कुलर मोशन में कर सकते हो, ओके, बट हैंड नहीं उठना चाहिए। एंड आप ऐसे भी कर सकते हो, एक कैची जिसे बोलते हैं ऐसे, बट बहुत ही आराम आराम से बिकॉज ये मसाज है। एंड आप टू फिंगर्स लेके ऐसे अपने इस एरिया पे पहले फोकस करते हुए नीचे आप टैप लेके आएंगे एकदम एरिया तक, देन सेकंड जो आप लेके आओगे आप दो या टू फिंगर से कर सकते हो, सेकंड भी आप ऐसे ही एंड थर्ड भी ऐसे ही सर्कुलर मोशन में नीचे तक लेके। गाइस तो मसाज आपकी डन। हमारा लास्ट स्टेप है क्या आपको पता ही चल गया होगा जो कि है, बताती हूँ आपको मैं भी, या फेस पैक। सो फेस पैक के लिए मैं यूज कर रही हूँ अगेन लोटस का फेस पैक, ये चारकोल फेस पैक है, तो मैं इसे अप्लाई कर लूंगी। एंड इस पे मेंशन भी आप 20 मिनट्स तक रख सकते हो, मैक्सिमम आप 15 मिनट्स तक भी रख सकते हो, उसके बाद आप रिमूव कर सकते हो। तो मैं इसे अप्लाई कर लूंगी, ये मैंने वेट कर रखा है, सो मैं इसे अप्लाई कर लूंगी। मैंने अप्लाई कर लिया है 20 मिनट्स तक, मैं इसे ऐसे रखने वाली हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आपको। मेरा फेस ऐसे चिपचिप हो रहा है, रुको वेट, अब बोल नहीं सकते आप, बोलना मत, कुछ भी नॉर्मल रखना, तभी आपको स्किन पे ग्लो आएगा। गाइस 15 मिनट्स हो गए हैं और ये पैक सूख चुका है, बहुत ड्राई हो गया है ये, तो जब ड्राई हो जाए तो आपको इसे रिमूव कर लेना है। मैं हल्का का वाटर लेके हैंड पे सर्कल मोशन में करके आप इसे रिमूव कर लोगे। तो गाइस मैं रिमूव करके आ गई हूँ, अभी मैं फेस क्लीन नहीं करी क्योंकि मैं अभी स्क्रब करने वाली हूँ। अगर आप सोच रहे हो कौन सा स्क्रब, तो वो स्क्रब मैं ऑलरेडी कर चुका है, बट मैं करने वाली हूँ लिप्स स्क्रब। तो लिप्स स्क्रब के लिए मैंने लिया है गुड वाइब्स का स्क्रब एंड मैं इसे अप्लाई कर लूंगी हल्का सा। मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ, मैंने लिप स्क्रब भी कर लिया है एंड मैं अब अप्लाई कर लूंगी अगेन टोनर। मैं इसे होने दूंगी थोड़ा सा ड्राई, और मैं तो मैं नेक्स्ट यूज कर रही हूँ न्यूट्रीडर्मा का क्या क्रीम एंड इसे अप्लाई कर लूंगी मैं। के बाद मैं यूज करूंगी सनस्क्रीन, एनस्प्रे की सनस्क्रीन है ये एंड डन। सो गाइस आई होप आपको इस
स्टेप्स समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी, आपको बेनिफिट मिला होगा। कुछ स्टेप्स आपको मैंने बताए हैं, कुछ की आप कैसे यूज कर सकते हो घर पे, क्योंकि फुल स्टेप जो होते हैं वो आप नहीं कर सकते, तो मैंने आपको कुछ कुछ स्टेप्स बताए हैं। या गाइस वीडियो को लाइक कर दो। या गाइस बाय।